गाइस हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल द रेमो ब्रैक। ये साधारण सिंपल सी वीडियो जिसमें यार बहुत सारी वैसे आप लोग को भाई आज सुबह है ना धो के एकदम पिज्जा बर्गर का पिज्जा खाने जी भैया। ये सब चीजें हमने स्ट्रीट पे लाई है लेकिन क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो भी इंडिया के टॉप लेवल के ब्रांड्स हैं। ये आप वीडियो बनाते बनाते हमने सब्सक्राइबर मिल गया भैया। भैया का भी यूट्यूब में चैनल है भाई, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई जी। हमारे पिज्जा बनाने वाला एकदम हेलो वेलकम बैक टू चैनल द रेमो ब्रैक। एंड आ चुका आपका भाई एक और न्यू ब्लॉग के साथ जहां पर पिज्जा ब्रदर के पिज्जा के बारे में बताने वाला हूं। वाह पिज्जा याद आते सी डोमिनोज का याद आ रहा है, डोमिनोज का याद नहीं आना चाहिए आप लोगों को क्योंकि पिज्जा ब्रदर का पिज्जा एकदम गदर लगता है यार। इसलिए आपका भाई आ चुका है भोपाल एमपी नगर पिज्जा ब्रदर का पिज्जा दिखाने के लिए। वैसे मैं एक बार प्रोमो डाला था आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रोमो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा लेकिन आज का गदर लगने वाला है एकदम, तो ट्राई करके देखना जरूर पिज्जा ब्रदर का पिज्जा खा के। समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या बोलूँ लेकिन बोल रहा हूँ। तो वैसे नो माइक नो कैमरा कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, आज आ चुका हूँ मेरा छोटा सा गोरिल्ला गिम्बल लेके और मोबाइल। इसके अलावा कोई चाह रही होगी मेरी साधारण सिंपल सी वीडियो जिसमें यार बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही होगी, क्लैरिटी थोड़ी कम लग रही होगी लेकिन थोड़ा सा कुछ कर लेना क्योंकि आपके पास ऐसा वीडियो नया ला के आता रहता है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो करना चालू कर दो यार। वैसे और ज़्यादा भी फुटी लेके आने की भी मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों से। कोई दिक्कत नहीं या तो चलेंगे अपन पिज़्ज़ा खा के दिखाऊंगा आपको कैसा लगता है पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा ब्रदर के बारे में जानेंगे कि ये कैसे खुला है इन स्टॉल और कैसा चल रहा है दुकान के बारे में। ओके जो ब्रांड डोमिनोज पिज़्ज़ा को फेल कर देता है यार, ये एकदम होममेड पिज़्ज़ा जैसे लगता है और एकदम टेस्टी भी ज़्यादा लगती है, आवाज़ भी आ रही होगी आपको गाड़ी की। चलो कोई बात नहीं, अपन चलते हैं और खाना चालू करेंगे और आप लोग को बताते रहेगा। आप लोग का भाई आ चुका है ना धो के एकदम पिज्जा ब्रदर का पिज्जा खाने के लिए। इन लोगों का नाम मैंने बहुत सुना है, गूगल में भी रेटिंग इंस्टाग्राम में भी मैंने देखा है बहुत, और आप लोगों को भी दिखाने आ चुका हूँ यार और खा के भी बताऊंगा कौन सा पिज्जा ले रहा हूँ इसके बारे में तो मेरे को पता नहीं, एक बार मेनू चेक करूंगा और आप लोग को बताऊंगा भाई। जो भी मेरे पिछली वीडियो में आपने जितना प्यार दिया वो से भी ये वाली वीडियो में भी प्यार देते रहना। मैं आ चुका आपका भाई प्रगति पेट्रोल पंप एमपी नगर भोपाल में, तो भोपाल की ब्लॉग चल रहा है आप लोग देख रहे होंगे और यहाँ पर पिज्जा ब्रदर का मैंने एक बार आप लोगों को प्रोमो भी डाला है ना, प्रोमो डाला है आप लोग है ना। तो वैसे पिज्जा ब्रदर के बारे में बात करने का टाइम मेरे ख्याल से आ चुका लगता है, इसलिए आपका भाई फटाक से गाड़ी में पेट्रोल डाला 50 का और फटाक से पहुंच चुका है एमपी नगर प्रगति पेट्रोल पंप पिज्जा खाने के लिए। तो वैसे मैं आप लोग को आज अनवड़ी के बोल रहा हूँ क्योंकि लोग मेरे को देख रहे हैं जैसे पागल अंटन बोल रहा है ना, वैसे आज स्मार्ट ना तो क्या है बोल रहा हूँ, तो स्मार्ट तो रहेगा जल्दी बात है। तो पिज्जा देख लेते हैं कि डोमिनोज का पिज्जा में और अपने एमपी नगर प्रगति पेट्रोल पंप पिज्जा ब्रदर का पिज्जा में क्या अंतर है, वैसे भैया बना के दिखाएंगे और क्या है वैसे बात भी तो करेंगे यार, जल्दी बात है बात करने के लिए तो अपन आए। तो ट्राई करके देखता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ जरूर, और आप लोग जरूर आके यहाँ पर आके देखना और कमेंट रेडी करना और हमेशा हर वीडियो में जितना प्यार देते रहो ना उतना प्यार तो देते ही रहना यार, ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ फिर वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो अपन सबसे पहले चल देते हैं अपन वीडियो बनाते बनाते अपने सब्सक्राइबर मिल गए भैया। आपका नाम आशीष, भैया का भी यूट्यूब में चैनल है भाई, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, जितने भी वैसे भी बहुत कम लोग ही देखते हो सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया। कौन सा दिन में बनाते हो? एजुकेशन चैनल बनाते हो भाई, एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। और नाम क्या है आपके चैनल का? नाम आशीष परसाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को वही मैक्स की जो पेन से लिखते हो ना भाई वो पेन से फटाक से तुम दबा देना लेकिन टन से एकदम। पिज्जा ब्रदर का पिज्जा भाई एकदम दिल को खुश कर दिया है, मेरे दोस्तों के साथ मैं गया पिज्जा ब्रदर का पिज्जा खाने के लिए एमपी नगर के पास। देखो क्या गदर बना रहे हैं ना, चटनी भी इतनी टेस्ट मेरे को लग रही थी, तुम लोग को लगी नहीं मेरे को पता नहीं। वाह जाके टेस्ट करके एक बार देखना और पिज्जा ब्रदर का पिज्ज़ा कैसे लगा करके कमेंट भी रेडी करना। वैसे तो जायद मैंने इसका प्रोमो भी डाला था और वो भी उसमें से भी मेरे सब्सक्राइबर जाके खा के आए और उन्होंने भी बताया कि वाह वाकई में टेस्ट कुछ अलग ही है क्योंकि इनोवेटिव टेस्ट कहीं कम मिलता है हमको। तो जरूर जाके टेस्ट करो और कमेंट भी रेडी करो कि मैं गया था पिज्जा ब्रदर का पिज्ज़ा खाने के लिए। वो देखो अब उनके अंदर तक गदर जा रहा है, गर्मा गर्म पिज्ज़ा एट ए टाइम में बनते हुए मिलेगा। जो वीडियो मैंने बनाया है ये अपने पिज़्ज़ा लवर्स के लिए ये वीडियो डेडिकेट हो जाएगा क्योंकि पिज़्ज़ा जिसको पसंद है ना यार, तो जिसको पसंद भी नहीं था ना वो जान मुझे अपनी वीआईपी झाड़ने के लिए बोलते हैं मेरे को पिज़्ज़ा पसंद है सैंडविच पसंद है ना।
तो वैसे ये पिज्जा वाले लवर्स के लिए डेडिकेटेड है मेरा वीडियो, चलो शॉर्ट्स निकाल लेते हैं। आप लोग पिज्जा ब्रदर का ये मेनू पिज्जा देख सकते हो, सैंडविच देख सकते हो, फ्रेंच फ्राइज से लेके रोल्स, फ्रेंच क्या फ्रेंकीज करके लिखा हुआ है, कॉम्बोज, बर्गर एक्सेट्रा सब मिल जाएगा आपको। ज़्यादा ज़्यादा मेरे ख्याल से 150 हो जाएगा, 150 के अंदर आपको भरपेट। ये बन चुका है पिज्जा ब्रदर का मैजिक वाला पिज्जा, ये देख सकते हो, ये शायद पनीर पिज्जा लगता है, फार्म हाउस, वाह फार्म हाउस, ये फार्म हाउस पिज्जा यार, मैं नाम गलत बोल देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं। यो रेडी हो चुका है, गदर स्मार्ट लग रहे हो भी आप तो, अरे पिज्जा खिला के मतलब स्मार्ट हो रहे हो लग रहा है, बस लोगों को पिज्जा खिलाना है, अच्छा अच्छा पिज्जा खिलाना है, अच्छा अच्छा पिज्जा खिलाना है। वैसे आपके पास वैरायटी वाला पिज्जा में स्पेशलिटी वाला पिज्जा कौन सा? सर देखिए हमारे यहाँ सभी पिज्जा काफी फेमस है जी भैया, हमारा सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग है जी चीज एंड कॉर्न पिज्जा है, सही कह रहा हूँ, चीज एंड कॉर्न पिज्जा है, और काफी फ्लेवर्स भी है, मखानी फ्लेवर में भी है, तंदूरी फ्लेवर में भी है, सब फ्लेवर में, टैंगी फ्लेवर भी है हमारे पास, ये तो मैं नया पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो, इन सभी का मिक्सअप भी है, अच्छा भैया स्पेशल में आता है हमारा, लोगों को खुश करना ही है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके आपका एम क्या होगा भैया अगर ये अपना पिज्जा ब्रदर्स का शॉप खोलने के? हमने जो स्टार्ट किया था कम कीमत में लोगों को अच्छा पिज्जा खिलाना, हाँ भैया, जो लोग प्रेफर नहीं कर पाते हैं कि सोचते हैं कि यार बड़े कांच के शोरूम में जाके हमें पिज्जा खाना काफी महंगा पड़ेगा, जी भैया, तो ये सब चीजें हमने स्ट्रीट पे लाई है, लेकिन क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो भी इंडिया के टॉप लेवल के ब्रांड्स हैं जी भैया, सभी ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं, आप चाहे पिज्जा यहाँ खाइए चाहे कांच के शोरूम में 5 स्टार होटल में खाइए, सही है, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सही कह रहा, बहुत प्यारा लगा भी आपका जो मोटो लगा आपके माइंडसेट से, हमें ये पता चलता है कि आपको पॉकेट फ्री प्राइस में आप लोग को, बिल्कुल बिल्कुल, यही सोच के साथ हमने स्टार्ट किया था पिज्जा ब्रदर्स, वाह भैया हमारी भोपाल का पहला आउटलेट है स्पेशली फॉर पिज्जा जी भैया, जो कि स्ट्रीट पे कियोस्क पे खुला है, अच्छा पिज्जा को लेके भोपाल का फर्स्ट ऐसा कियोस्क है, सही कह रहे हो सही कह रहे हो। वैसे मैं आप लोगों के बारे में बहुत जान रहा हूँ, इंस्टाग्राम में भी फॉलो किया भी आपकी लिंक वगैरह को, और लोगों के प्रति देखा जाए तो आपका जो पिज्जा है ना बहुत अच्छा रेटिंग में चल रहा है, बहुत अच्छा रेटिंग में चल रहा है, काफी दूर दूर से कस्टमर आते हैं जी भैया, यहाँ तक कि इंदौर से भी हमें ढूंढते हुए कई लोग आए हैं, सही कह रहा हूँ, इंदौर से, सीहोर, देवास, काफी दूर से लोग आते हैं, मैं चेन्नई वाला हूँ बेसिकली, मैं भी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू भैया, आप लोग की टेस्ट बुला ली थी मेरी ख्याल से तो यही है, बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स भैया, मेरे को मैं तो बधाई देता हूँ आपको कि इसको अच्छे बड़े लेवल पे लेके जाओ, बड़े शॉप्स में बदलो भैया, थैंक यू सो मच भैया, मैं पिज्जा टेस्ट करके आपको बता दूँ कि मुझे कैसा लगा। इनकी पैकिंग स्टाइल भी वाकई में एकदम शानदार, भीड़ देख रहे हो कितनी गदर गदर खड़ी है ना यार, पैकिंग स्टाइल भी एकदम ब्रांडेड वाली पैकिंग स्टाइल है, जिस प्रकार टेस्टी लगती है वैसी प्रकार पैकिंग भी है, पैकिंग ले जाओगे आपको गर्म मिलेगा, कम से कम आधा एक घंटे के लिए तो शायद गर्म हो गई होगा। पिज्जा ब्रदर का टैग भी एक तरफा, पिज्जा लवर्स डेडिकेट टू दिस वीडियो। आपका भाई का पिज्जा एकदम चमाचम तैयार हो रहा है, देखो पनीर वाला एकदम, मैंने फार्म हाउस पिज्जा ऑर्डर किया था, मेरे दोस्त लोग भी मेरे साथ खड़े हुए, देखो वीडियो में दिख रहा है, देख मतलब बहुत सारे गार्लिक ब्रेड्स हैं यहाँ पर और कॉर्न पिज्जा है एक्सेट्रा, जितना तो मेरे को नाम ही नहीं पता, वैसे बहुत सारे अनोखे अनोखे पिज्जा मिलते हैं, जरूर मेरे भाई आके टेस्ट करके देखना और बता देना कि भाई वाकई में अच्छा लगता है। भीड़ वाकई में बहुत गदर थी, भीड़ तो रहेगी ना जरी सी बात है, जहाँ ब्रांडेड वाली चीज़ मिलेगी वहाँ तो भीड़ तो रहेगी रहेगी। ये देखो ये जो अपने चश्मा पहने हुए हैं यही अपने यहाँ के ओनर पिज्जा ब्रदर के पिज्जा होल्डर, यो गाइस स्मार्ट बनता है, वैसे उसका पिज्जा भी एक तरफा स्मार्ट है, ये देखो अब ओवन के अंदर जा रहा है ये गर्मा गर्म बनने के लिए, है ना गर्मा गर्म बनने के लिए जा रहा है, ओह माय गॉड सही है सही है सही है, क्योंकि क्वालिटी वाली चीज़ एक अलग इनोवेटिव दिमाग में सिर्फ एक बैचलर के दिमाग में आता है, क्योंकि जरी सी बात है हमेशा इन्वेंटर अपने पॉजिटिव तो होते हुए ले चुका है आपका भाई फार्म हाउस वाला पिज्जा, और एक पीस इसका टेस्ट करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी भाई मेरे ग्राहक आपके कस्टमर की भाई कर लेते अपन भाई, मजा आ रहा है जो इसमें पनीर डाला हुआ है, चीज भरपूर एकदम, आप देख सकते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें बोलने की क्या है, ठीक है ये पहली बार टेस्ट कर लिया, तभी मजा आएगा।
डोमिनोज की चीज़ें कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अपना अलग टेस्ट देना एक अलग ही हो जाता है, मगर नए भाई ने एकदम अलग टेस्ट दिया है जो अपने आप से एक नया टेस्ट जो अपन को कहीं मिल नहीं सकता। पिज्जा बर्गर में एक अलग ही क्वालिटी जो बोला है ना, वो क्वालिटी यही है कि अपने आप से टेस्ट को क्रिएट करना भाई ज़्यादा हो रही है ना, टेस्ट को क्रिएट करना इसी को ही बोलते हैं। तो जरूर ट्राई जरूर करके देखना मेरे दोस्त, ठीक है। वैसे मैं एक और टेस्ट खा देता हूँ उनको, याद रखें लोगों ने तुम्हारा बेटा याद रख लेना बंदा था भैया, जरूर ट्राई करके देखना। और रेमेड के चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को टिंग से दबा देना क्योंकि भाई पिज़्ज़ा ब्रदर के पिज़्ज़ा खाने आओगे तो यहाँ पर बहुत सारे कलर 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 वाली दिख जाएंगी। राहुल ठंड बहुत ज़्यादा लगी थी इसलिए मैंने अपनी जर्किन उतार दी थी, वापस पहन लिया और चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक ले टाटा बाय बाय, रेमेड के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को टिंग से दबा देना, तभी आने वाली मेरी वीडियो आपके पास फटाक से पहुँच जाएगी।